परिचय बताते हैं। हाँ, मेरा नाम राजेश है, जी राजेश शास्त्री। हम लोग जो है कहीं 6 पीढ़ी से बनारस में ही हैं। मूलतः हम लोग दक्षिण भारत कर्नाटक से हैं और मेरा लड़का यहाँ 6ठा पीढ़ी है। तो बनारस में हम लोग पुरोहित हैं और हमारे दादा परदादा सब जो हैं राज पुरोहित रहे मैसूर महाराज के। महाराज जी, अगर महत्व की बात की जाए तो गंगा घाट पे तर्पण का क्या महत्व है, एक शॉर्ट में आप थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, गंगा को मोक्षदायिनी पापनाशिनी बोला जाता है। ये सृष्टि जो है ब्रह्मा विष्णुमय तीनों लोक से जो है चल रही है। तो गॉड मने जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर बोला जाता है ब्रह्मा विष्णुमय। ये गंगा जो है ब्रह्मा के कमंडल से आई है, विष्णु जी के चरण से आई है और शिव जी के जटा से आई है। इसीलिए इस उत्तरवाहिनी गंगा में, गंगा सभी जगह बहती है लेकिन मूल स्थान को जहाँ उद्गम स्थल है उस स्थान को दे के बहने वाली गंगा जो है हमारे काशी में, उसे उत्तरवाहिनी है। तो इस उत्तरवाहिनी गंगा में हम लोग जो है अपने पितरों का तर्पण हो, श्राद्ध हो या शिव विसर्जन हो, ये सब करने से उनको मोक्ष मिलता है बोला जाता है। महाराज जी, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप दक्षिण भारत से आते हैं और दक्षिण भारत का और उत्तर काशी का बहुत बड़ा एक अपने आप में संबंध है। तो क्या लगता है कि दक्षिण भारत में काशी विश्वनाथ जी का जो महत्व है, उसका कोई विशेष कारण? अरे, बहुत महत्व है सर। ये ऐसा है कि बहुत जगह लोग आते हैं उत्तर भारत ही आने से, जैसे गया में इलाहाबाद है, अयोध्या है, काफ़ी जगह घूमने के लिए आते हैं, अपने पितरों का तर्पण वगैरह कर रहे हैं सभी जगह। मोक्षपुरी है वैसे 7 जगह, लेकिन उसमें अभी वर्तमान समय में काशी, गया और इलाहाबाद में लोग जो है अपने पितरों को पिंडदान वगैरह करते हैं। तो घर से निकल समय लोग सब काशी यात्रा ही करते हैं, कोई भी गया यात्रा नहीं करता है। तो काशी का बहुत बड़ा महत्व है। काशी में 333 करोड़ गांव का वास है। గర్భాన్ని ముడి తీపేసి అక్కడ వైట్ బెడ్ పెట్టింది గంగాలో, వైట్ బెడ్ స్టెప్లో. ఓకే, మళ్ళీ బాగా క్లీన్ చేసి ప్లేట్ పంచపాత్ర తీసుకుంటాం.